सरफेसिंग का अगला कमांड हमारा था बाउंड्री सरफेस और फील्ड सरफेस। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कैसे काम करता है। ओके नाउ, तो सबसे पहले तो कोई हम बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें अगेन वी हैव टू कंसीडर सम लाइक दैट। ओके नाउ ट्रिम दिस। ओके दैट्स गुड। अगेन वी हैव टू ट्रिम दिस। ठीक है, नाउ सरफेस एंड देन एक्सट्रूड, देन यू हैव टू एक्सट्रूड दिस लाइक दैट। ओके, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहीं में हम फिलेट कमांड भी देख लेते हैं। ये सार पेजेस इसको फिलेट दे देते हैं। इसको फिलेट दे देते हैं कितने का, यहाँ से बढ़ा लो आप 15, 0.5 जैसे। इधर दे दो, इधर दे दो, इधर नॉट, इधर दे दो, यहाँ दे दो, अगेन यहाँ दे दो, नॉट्स। ओके देन दिस, ये अब फिलेट कमांड भी हो गया। अब हम यहाँ पे बाउंड्री सरफेस का यूज करने वाले हैं या फिर हम फील्ड सरफेस का यूज करेंगे। सबसे पहले फील्ड सरफेस का देखते हैं। सरफेस को फिल करेंगे, कौन सा सरफेस फिल करना है, ये सरफेस को। तो नॉर्मली इसको आप ऐसे चूज कर लो, जस्ट वा। ओके, सारे ये कॉर्नर को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिल करना है कोई चीज, मतलब आपको एक क्लोज ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, देन आपका वो होगा। ये देखो, तो ये सरफेस आपका हो गया फिल। ठीक है, लग गया इधर एक और ना। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस कैसे काम करता है ये देखो। सिर्फ आपको दो बाउंड्री यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ एक ये कर्व पाथ। ठीक है, ओके, और मैं चूज करता हूँ ये कर्व पाथ। ओके, इनके बीच में ये आ गया एक बाउंड्री। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बाउंड्री। इसको मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अलग दिखे। जस्ट वेट, ओके, येलो कलर, गुड। ठीक है, तो बाउंड्री फिल सरफेस में क्या होता है, आपको पूरा कवर एक पैक्ड सरफेस चूज करना, लाइनिंग चूज करना पड़ता है, देन जाकर वो फिल सरफेस आपका वर्क करता है। बट इन केस ऑफ बाउंड्री सरफेस आपको सिर्फ दो लाइन चूज करना है, दो डायरेक्शन चूज करने हैं, ऑटोमेटिकली वो वहां से वहां तक का वो फिल बाउंड्री कर लेगा। मैं दो बाउंड्री चूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस बाउंड्री को चूज करते हैं और इस बाउंड्री को चूज करते हैं। क्लियर, ये ले लिया। बाउंड्री सरफेस ऑपरेशन फेल्ड टू कंप्लीट, प्लीज चेक इनपुट डायरेक्शन वन और डायरेक्शन टू कर्व। ओके, कर्व को बोल रहा है। हाँ, तो दिक्कत क्या हुआ है ये ध्यान दो, यहाँ का स्ट्रेट और यहाँ का ये देखो ये कर्व हो गया है यहाँ पे। तो ये कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल अब इसको अगर ओपन करना है तो हम ये और ये कर्व ले लेते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री सरफेस ये कर्व, नॉट दिस, दिस एंड दिस। ओके, कर्व हो गया पैक्ट। देखो ये, अब इसको हम कर्व करते हैं, फेस पैक करते हैं। तो इसको पैक करने का तरीका है, इसे हमें डायरेक्शन देना होगा एक। तो बाउंड्री सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस बाउंड्री। देखो अब ले लिया, उस टाइम गड़बड़ हो रहा था, उसको लिया यहां से यहां लेता तो फिर ये होल ऐसे जा रहा था। यहां से यहां किया, छोटे से बड़ा चलेगा, बड़े से छोटा नहीं चलेगा। ठीक है, लाइन। अब देखो ये पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट हम चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ करके आए। इन दैट केस आपको जाना है डायरेक्शन में, क्लिक करना है और आपको, ठीक है, ये डायरेक्शन दे दो आप,
डायरेक्शन एरर एरर एच डिलीट डिलीट जस्ट वेट, हम इसको लेके ऐसे लेते हैं, इसको भी क्लियर कर रहे हैं, क्लियर सेक्शन, इधर भी क्लियर सेक्शन, फर्स्ट यू डू क्लिक दिस एंड आफ्टर दैट दिस, ओके। अब ये देखो, अब हम इसमें देंगे एक डायरेक्शन जो कि होगा ये, तो वो भी फिल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया डायरेक्शन का कैसे कैसे करना है? एक बार और चाहो तो आप बता सकते हो। देखो करना क्या है, बाउंड्री सरफेस में जाना है। अब आपको आपने ये चूज किया और ये चूज किया, तो ये डायरेक्ट मैच हो गया। अब ये गैप बचा रह गया, तो ये गैप चाहते हो कि ये गैप फिल हो, इन दैट केस आपको एक डायरेक्शन देना होगा जो कि इस कर्व का डायरेक्शन होगा। तो अब उस वो जो लाइन आ रहा है उस कर्व के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये फिल हो गया। क्लियर, नाउ आफ्टर दैट दिस एंड दिस फिल, गिव अ डायरेक्शन, ओके। क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा कर्व था, ठीक है? तो जैसे कि अब इसको भी करके दिखाता हूं मैं। देखो अब इसको अगर फिल करना है यहां से, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कर्व को फिल करना पड़ेगा। तो बाउंड्री सरफेस दिस एंड दिस, ओके। अगेन बाउंड्री सरफेस दिस एंड दिस, ठीक है? एंड डायरेक्शन में इस कर्व के अकॉर्डिंग आए, दिस फिल्ड, इट्स फुली पैक्ड। अब इधर देखो, आपने जब फिल्ड सरफेस किया तो कोई भी मार्क नहीं, एक ही बार में फुल क्या हो गया, फिल्ड हो गया, क्योंकि आपने पूरा आउटर क्लोज कर दिया चैम्बर को। बट इन दैट केस क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो बाउंड्री चूज करो हो जाएगा, तो आपको इतना मार्क देख रहा है। तो ऐसे हमारा फिल्ड सरफेस और बाउंड्री सरफेस का काम होता है। क्लियर, आई थिंक इतने सारे कंक्लूजन के साथ आपको ये तो दोनों कमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।